मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 कोविड-19 को लेकर बोर्ड अध्यक्ष ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से अभी न्यू सूचना जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए। दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं, बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में देने वाले छात्र हैं, तो आप सभी के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बोले हैं कि अगर इसी तरह कोविड-19 केसेस बढ़ते रहें तो मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, बिना परीक्षा के सभी छात्र होंगे पास। सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खबर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 का परीक्षा शेड्यूल जारी कर चुका है, जिसमें बताया गया है कि आप सभी का परीक्षा फरवरी माह में ली जाएगी और साथ ही साथ आप सभी के लिए बिहार बोर्ड की ओर से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिए, बताया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को। दोस्तों बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दो, आने वाली सभी जुड़ी जानकारी अपडेट आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का केसेस लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ऐलान कर चुके हैं कि बिहार के सभी अस्पतालों में पूरी तैयारी रखें। दोस्तों अगर आप मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। बिहार बोर्ड की ओर से हर बड़ी एवं छोटी खबर सबसे पहले अपडेट की जाती है। बिहार बोर्ड से अपडेट रहने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों निजी फ्रेंड दोस्तों को शेयर भी करो, सभी इस वीडियो को शेयर करो, सोशल मीडिया तक शेयर करो जल्दी से जल्दी। दोस्तों आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का केसेस लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह ऐलान कर चुके हैं कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेज पर निर्णय बहुत ही जल्द ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है सभी स्टूडेंट्स को एक मौका दिया जा रहा है। देखिए बताया जा रहा है कि भारत में कोरोना के बाद ओमिक्रॉन का केसेस लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भारत सरकार ने सभी ITI के प्रथम सत्र में पढ़ाई कर रहे 2.25 लाख छात्र बिना परीक्षा के होंगे पास। जी हाँ, सभी छात्र को बिना परीक्षा के प्रमोटेड किया जाएगा, यह सबसे बड़ी बात है। मैट्रिक और इंटर में परीक्षा में 80% नंबर कैसे लाएं, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए। दोस्तों सबसे पहले तो बिहार बोर्ड के जो अध्यक्ष आनंद किशोर हैं, उन्होंने साफ स्पष्ट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि आप लोगों का NCERT किताब के जरिए जो है सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो आप लोग जरूर सभी NCERT किताब का सहारा लीजिए, इंटरनेट का जो मॉडल पेपर आया है उसका भी सहारा लीजिए, जहां आप कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हो, पढ़ाई करते हो, टीचर का भी पूरा सपोर्ट है, पूरा सहारा लीजिए, तब जाकर आपका पूरा नंबर परसेंटेज हाई लेवल पर आएगा। और खास करके जिन छात्रों का रैटिंग सही नहीं है वो रैटिंग अपना सुधार कर लें, ठीक है। रैटिंग बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, रैटिंग के ऊपर भी आपको अधिक अंक मिलते हैं, तो ध्यान रखें इस बात को। अब चलिए यहां पर जान लेते हैं। दोस्तों हमारे चैनल मौर्या गुरु एकेडमी पर सभी जानकारी पूरी लाइव प्रूफ के साथ दी जाती है, चैनल पर ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करो, और हां टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाओ। दोस्तों यदि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड या कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, सभी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं से समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय वंदे मातरम।